चुनाव की घोषणा हो गई है, तारीखें आ गई हैं। अगर नामांकन की बात की जाए तो नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू होगी। और इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रायबरेली पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार। सर, किस प्रकार पंचायती चुनाव को लेकर के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं और क्या व्यवस्था? जनपद में ये पंचायत चरण में होना है और आज स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषणा होने के उपरांत पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। हमारे यहाँ कुल 1490 मतदान 394 मतदेय स्थल हैं। इन सभी पर संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इसके अलावा पूरे जनपद को 30 जोन और 202 सेक्टरों में बांटकर जोनल पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट और सेक्टरल पुलिस की नियुक्ति की जा रही है। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि किसी भी तरीके का प्रभाव डाल सकते हैं इस चुनाव पर, इनकी निगरानी रखी जा रही है। भारी संख्या में लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है और गांव-गांव से हम लोग सूचना प्राप्त कर रहे हैं। हर तरीके की निगरानी रखी जा रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इस चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से करवाएंगे। त्यौहार है और शबे बारात का भी त्यौहार है और चुनाव भी, तो इसको लेकर के किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्थाएं तैनात रहेंगी और ताकि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके और त्यौहार मनाया जा सके? देखिए, होली का त्यौहार और शबे रात दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने पहले से अपनी एक्सरसाइज कर ली है। जहाँ कहीं भी पहले कोई विवाद हुआ था वहाँ पर संबंधित थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और SDM ये लोग जाके लोगों से बात कर चुके हैं, उस समस्या का समाधान कराया जा चुका है। पुलिस प्रबंध जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम है वहाँ पे कर लिया गया है। साथ ही साथ जैसा शासन के निर्देश हैं, कोरोना के गाइडलाइंस हैं, उन सभी का पालन इसमें कराया जाएगा। सर, अक्सर देखा जाता है आगे आकर वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क का उपयोग करना, सामाजिक दूरी बरकरार रखना, इन नियमों का पालन ज़रूर से करें। और जो भी गाइडलाइंस हैं कमीशन के या स्टेट द्वारा जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उनका सभी लोग पालन करें और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने में शासन प्रशासन का सहयोग करें। आचार संहिता भी लागू हो गई है आज से, आचार संहिता को लेकर के किस प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो अक्सर चौराहों पर त्यौहार के मौसम में काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो आचार संहिता और चुनाव कैसे? देखिए, त्यौहार एक अलग विषय है, उसके लिए जो पुलिस प्रबंध हैं वो जहाँ कहीं भी होलिका दहन होती है या फिर जहाँ कहीं मेले लगते हैं उसके लिए हम लोगों ने ड्यूटी अपनी लगा रखी है और हमें पूरा विश्वास है कि त्यौहार को भी हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। और जहाँ तक आचार संहिता की बात है तो जो भी आचार संहिता के नियम हैं उसको पालन कराने के लिए हम लोग कर्तव्यबद्ध हैं। थैंक यू। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायबरेली पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार थे, जिन्होंने बताया कि जो आगामी चुनाव है पंचायती चुनाव को लेकर के सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और इस बीच अगर देखा जाए तो कोविड का जो प्रकोप है उसको भी लेकर के रायबरेली जनता से अपील की। और अगर देखा जाए तो आज चुनाव की अपील होने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार आचार संहिता भी लागू हो गई, तो कहीं ना कहीं रायबरेली की जो कानून व्यवस्था है वो सक्रिय देखने को मिली। केशव शुक्ला, रायबरेली।